Hey friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों की जान गर्मा गर्म मटर कचौड़ी। और ये जो मटर कचौड़ी है आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली बनी है और साथ ही साथ इसका अंदर से टेक्सचर देखिए, वाओ, इट इज जस्ट लविंग। बहुत ही टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये ज्यादा ऑयली नहीं है। हमने इसको बनाया है गेहूं के आटे से और ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। मटर कचौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है फ्रेश मटर। ये है लगभग 2 कप मटर। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी हींग, साथ ही साथ आपको ऐड करना है थोड़ा सा जीरा। सबसे पहले हम मटर को फ्राई करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे मटर कचौड़ी। तो इस तरीके से मसाले को अच्छे से भून लीजिए। जब आपका मसाला अच्छे से भुन जाए तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। तो मैंने यहाँ पर लगभग 10 से 12 कली लहसुन की ऐड कर दी है। अगर आप चाहते हैं लहसुन ऐड करना तो कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैं 2 हरी मिर्च इस तरीके से काट कर ऐड कर दी है, रफली चॉप्ड की है। उसके बाद मैंने मटर ऐड की है, साथ ही में आपको ऐड करना है थोड़ा सा सॉल्ट। अब हमें इसे हल्का सा फ्राई करना है, केवल हमें इसे बिना पानी के ही फ्राई करना है। ध्यान रखिए पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें, अदरवाइज आपकी कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो इस तरीके से इसे आपको फ्राई करते रहना है, लगभग 10 मिनट तक आपको इसे इसी तरीके से फ्राई करना है। उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे आप ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं और बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहें। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि मटर कुछ इस तरीके से हो जाती है। हमें मटर को तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका सारा का सारा पानी सूख जाए। मटर में बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज मटर हो जाएगी थोड़ी सी लिक्विडी और आपके कचौड़ी बनाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चॉप्ड किया हुआ हरा धनिया। इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब हमें इस मटर को ठंडा होने के लिए रख देना है। आप देख सकते हैं मटर को कुछ आपको इतना ही फ्राई करना है कि आप इसे प्रेस करें तो इस तरीके से प्रेस हो जाए, इससे ज्यादा मटर को नहीं फ्राई करना है। अब हम इस मटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक मटर ठंडी होती है तब तक हम लगा लेते हैं कचौड़ी के लिए आटा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप आटा, आधा से 1/4 कप ऐड कर दूंगी सूजी। सूजी ऐड करने से आपकी कचौड़ी थोड़ी क्रिस्पी बनती है। साथ ही में ऐड कीजिए थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च, साथ ही में थोड़ा सा गरम मसाला और हींग जरूर ऐड कीजिए ताकि आपकी कचौरी बने काफी डिफरेंट। तो बस इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ऑयल। तो मैंने यहाँ पर लगभग 2 स्पून ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लास्ट में इसमें अजवाइन ऐड करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने यहाँ पर ऐड की है 1 स्पून अजवाइन और उसके बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी से, मीन्स पानी केवल ल्यूक वार्म होना चाहिए, हल्का सा गर्म पानी से मेरे को इस आटे को लगा लेना है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते जाइए और इस आटे को अच्छे से लगा लीजिए। आटा ना तो ज्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे आप कचौड़ी के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपको आटा लगाना है। उसके बाद मैंने इसे ढककर रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हमारी मटर भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी एक मिक्सिंग जार में और इसको मुझे अच्छे से मिक्सर ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं मटर कुछ इस तरीके से ग्राइंड हो जाती है, बिल्कुल पेस्ट भी नहीं बनाना है, बस कुछ इस तरीके से इसका मटर का मिक्सचर आपको रेडी करना है। हल्का सा अलट पलट करके इसको एक बार और ग्राइंड कर लीजिए और उसके बाद ये है बिल्कुल रेडी। इधर हमारा आटा भी 15 मिनट के बाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक बार इसको कुछ इस तरीके से मला लीजिए ताकि आपके आटे में अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। अब आटा बिल्कुल डन है, उधर हमारा मटर का मिक्सचर भी बिल्कुल रेडी है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं हम मटर की कचौड़ी बनाना। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिक्सचर एक कटोरी में निकाल लिया है। इधर मैंने ली है एक छोटी सी लोई। हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए ताकि ये आटा आपके हाथ पर नहीं चिपके। उसके बाद ये प्रोसीजर आप बहुत ही ध्यान से देखिए, हमको कुछ इस तरीके से प्रेस करते हुए एक कटोरी बनानी है ताकि हम इसके अंदर मटर के मिक्सचर को ऐड कर पाए। बहुत ही थोड़ा सा, लगभग 1/2 स्पून आपको ये मिक्सचर लेना है, इससे ज्यादा मिक्सचर आप बिल्कुल भी ऐड ना करें। उसके बाद हल्के से अंदर की साइड प्रेस करते हुए, दोनों हाथों का यूज करते हुए इसकी एक पोटली आपको बना लेनी है ताकि आपके जो मटर की पूरी कचौड़ी बनने वाली है वो बहुत ही अच्छी बने और इसकी सामग्री जो हमने इसके अंदर स्टफिंग फिल की है वो बाहर ना निकले।
आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली डन हो गई है, कहीं भी इसका एंड दिखाई नहीं दे रहा है। तो बस बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये कचौड़ी की लोई बनानी है, हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर दीजिए और ये है बिल्कुल रेडी। तो अब मैं आपको और दिखाती हूँ कि किस तरीके से मुझे ये कचौड़ी बनानी है। कचौड़ी की जो स्टफिंग हम फिल कर रहे हैं, इसको फिल करना बहुत ही मेन काम है, इसको बहुत अच्छे से कीजिए, अदरवाइज आपकी कचौड़ी खुल भी सकती है। अगर एक बार आपकी लोई इस तरीके से अच्छे से बन गई तब आपकी कचौड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैं इसको हल्का सा ग्रीस कर लूंगी, आप चाहें तो चकले का भी यूज कर सकते हैं। और बस उसके बाद आपको केवल 2-3 बार इस तरीके से बेलन हल्के से इस पर चलाना है और आपकी कचौड़ी बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। ध्यान रखिए बिल्कुल भी ज्यादा हार्ड तरीके से इसको प्रेस ना करें, बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसे रोल करना है लाइक दिस। तो बस ये आपकी कचौड़ी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए तभी ये कचौड़ी अच्छे से बनेगी। कचौड़ी ऐड करने के बाद आपको फ्लेम को कर देना है लो टू मीडियम। ये कचौड़ी लो फ्लेम पर ही पकती है, अदरवाइज अंदर से ये थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, क्योंकि मैंने इसके अंदर मटर को फिल किया है, इसलिए आपको इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। लगभग 5-7 मिनट लगते हैं तभी ये कचौड़ी अंदर से अच्छे से पक जाती है और इसका टेस्ट आता है बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं कचौड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनी है, बिल्कुल भी खुली नहीं है, तो इट मींस कि हमने कचौड़ी बनाई है बिल्कुल परफेक्ट और फूल भी गई है। तो है ना ये कमाल की रेसिपी, बिल्कुल डिफरेंट है और आपको लगेगी बहुत ही ज्यादा टेस्टी। ट्राई करने के बाद आपको ये कचौड़ी कैसी लगी मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट्स का रहता है मुझे हमेशा वेट, तो अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं कचौड़ी मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, अंदर से ये ग्रीन ग्रीन एकदम परफेक्टली कुक्ड कचौड़ी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे सर्व कर सकते हैं आलू की सब्जी के साथ या फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ। तो आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ एक और इनोवेटिव रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।